नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड स्टॉक के बारे में कंपनी के क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं तो यहाँ पे तीन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे पहला रहेगा कंपनी के क्वार्टर फोर के नतीजे जानना दूसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर नजर डालेंगे कैसे है कंपनी के फाइनेंशियल्स और फाइनली थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे जहाँ पे हम लोग बात करेंगे टेक्निकल के ऊपर कैसे यहाँ पे स्टॉक की चाल रह सकती है शॉर्ट टर्म के लिए इंटरडे के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए तो तीन मुद्दों पर यहाँ पे विस्तार से हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो में बात करेंगे तो चलिए फटाफट पड़ वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने The Investment Guru को नहीं किया है, तो कर लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की आप तक पहुंचती रहे हम पेज को पढ़े तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट नजर आ रहा है डिविडेंड तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है तीन रुपए पचास पैसे का तो यहाँ पे कंपनी ने करंट लेवल पे जो है रिकमेंड किया है डिविडेंड हर एक स्टॉक पे यहाँ पे तीन रुपए पचास पैसे मिलने वाले चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर फोर के नतीजों के ऊपर यहाँ पे सारी की सारी वेल्यूज रुपीज लैक्स में दी गई है कॉलम वाइज देखे तो ये जो कॉलम दिख रहा है क्वार्टर फोर के लेटेस्ट क्वार्टर के नतीजे है ये कॉलम की बात करें तो ये कॉलम क्वार्टर थ्री यानी कि पिछले क्वार्टर के नतीजे है इस कॉलम की बात करें तो ये क्वार्टर फोर के लास्ट ईयर के नतीजे है टोटल आय इनकम की बात कर ले तो यहाँ पे इनकम हुई दो करोड़ पिछले क्वार्टर की तुलना करें तो वहां पे थी दो करोड़ और पिछले साल की बात करें तो वहां पे थी एक करोड़ तो यहाँ पे हल्की फुल्की जो है बढ़त हम लोग क्वार्टरली और ईयरली यहाँ पे जो है टोटल इनकम में देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो टोटल इसके एक्सपेंस जो है इस हंड्रेड एंड नाइनटी टू लैक्स पिछले क्वार्टर की तुलना कर तो वहां से एक्सपेंस इसका घटा है जो कि अच्छी बात है वायुवाई बेसिस पे बात करें तो वायुवाई ईयरली बेसिस पे यहाँ पे इसका इनकम एक्सपेंस बढ़ा है तो क्वार्टरली बेसिस पे इसका एक्सपेंस घटा है और ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस बढ़ा है कंपनी के अगर हम लोग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज की बात करें तो क्वार्टर में और पिछले साल भी नहीं थे जो, इसका है, यहाँ पे जो बेच है तो उसकी वजह से ये यह अमाउंट यहाँ पे आपको दिख पा रही है इसी के साथ अगर हम लोग लो अदर एक्सपेंस की बात करें जहां पे हम लोग मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा तो यहाँ पे ये यह जो है निगेटिव यहाँ पे दिख रहा है सेवन हंड्रेड एंड एटी एट यहाँ पे Uh, तो यहाँ पे जो यहाँ पे पैसा आया था तो वही यहाँ पे रिसाइकल किया गया है तो री इन्वेस्ट किया गया है तो अगर आप यहाँ पे डिटेल में जो है इसके रिजल्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा लास्ट में अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट की बात करें पीएटी की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पिछले साल यहाँ पे जो है 900 जो है लैक्स का प्रॉफिट था लास्ट ईयर की बात करें तो 786 का प्रॉफिट था और अभी कंपनी पे जो है निगेटिव हम लोग देख पा रहे हैं तीन करोड़ का घाटा यहाँ पे करंट लेवल पे दिख रहा है इनकम तो, तो पे, तो तो, तो तो दिख रहा था अगर आपको याद होगा तो थोड़ा वीडियो अगर आप पीछे लेके जाओगे तो आपको ये अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू थ्री फिफ्टी एट जो है का था और अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे हमें जो है ये वैल्यू ये मिल जाएगी सेवन नाइनटी वन पॉइंट नाइनटी नाइन लैक्स तो ये जो सेवन नाइनटी टू अराउंड लैक्स का जो है ये इनको प्रॉफिट में दिख रहा है और यहाँ पे इस कंपनी ने जो है जो भी इनको पैसा मिला था म्यूचुअल फंड डेप निकालने के बाद तो ये कंपनी ने यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं कि रिसाइकिल कर दिया है और जो सेवन एटी वो कंपोनेंट देख रहे थे जो निगेटिव था वो यहाँ पे कंपनी रिसाइकिल करके यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आई एन डी एस वन जीरो मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन जीरो नाइन के तहत यहाँ पे फिर से वो पैसा रिसाइकिल कर दिया है अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल ऊपर नजर डाले तो यहाँ पे एक सौ साठ रुपए के आसपास करंट स्टॉक प्राइस दिख रही है पिछले दस साल पहले जाए तो मार्केट कैप्टी पंद्रह हजार हाँ करोड़ पांच साल पहले जाए तो मार्केट कैप थी लगभग पंद्रह हजार हाँ करोड़ के आसपास तीन साल पहले मार्केट कैप हुई तीन हजार छह सौ करोड़ करंट लेवल पे मार्केट कैप रह गई है अभी पांच हजार छह सौ करोड़ अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो चार सौ तेईस है तो बुक वैल्यू से काफी सस्ता करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसके साथ अगर हम लोग कंपनी के ऊपर डेप देखे तो आप यहाँ पे डेप का नंबर देख सकते हो कंपनी के प्रोमोटर कब शेयर प्लेज है तो यहाँ पे नाइनटी फोर पॉइंट वन परसेंट की जो है इक्विटी या फिर शेयर अगर हम लोग देखे हिस्सा प्रमोटर का गिरवी है चलिए दोस्तों करते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग डेली कैंडल स्टिक चार्ट पे, पे आ चुके हैं यानी कि एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करता है अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक को यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे स्टॉक रिसेंटली अगर हम लोग बात करें पिछले साल तो यहाँ पे नवंबर दिसंबर के आसपास ये स्टॉक ने डबल टॉप लगाने की कोशिश की थी अगर हम लोग लेवल देखें तो एक्जैक्टली लेवल वन के आसपास निकल के आती है उसी लेवल के आसपास स्टॉक जाते हुए ऊपर जाते हुए देखने को मिला लेकिन ऊपर के लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई क्योंकि इस लेवल के आसपास भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वन से एक सौ ये जो रेंज है वहां पर स्टॉक को स्ट्रॉग रेजिस्टेंस है जो स्टॉक ने पहले भी फेस किया था अभी भी फेस किया उसके ऊपर नहीं बढ़ रहा है वही पे अगर हम लोग स्टॉक की सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये जो रेंज निकल के आ रहा है जिसका लगभग अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो एक रुपए से लेके एक सौ ये जो जोन निकल के आ रहा है यहाँ पे स्टॉक को बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है जहां पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा सेकंड टाइम यहाँ पे देखा थर्ड टाइम यहाँ पे फोर्थ टाइम यहाँ पे तो चार टाइम्स इस जो है सपोर्ट को स्टॉक ने टेस्ट किया है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी, भी ये जो सपोर्ट होगा तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो ये आप जो है लेवल मार्क करके चलिए इस सपोर्ट के आसपास जो है स्टॉक को सपोर्ट है इस रेंज के आसपास और इस रेंज जो है 170 तो उसके आसपास स्टॉक को स्ट्रॉग रेजिस्टेंस है अगर हम लोग करंट लेवल पे देखें रिजल्ट तो देखो दोस्तों देखो स्टॉक जो है कंपनी जो है पॉजिटिव से में आई है लेकिन इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो स्टॉक पे कैप डाउन खिलेगा नीचे जाएगा कोई भरोसा नहीं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं निगेटिव आते हैं फिर भी कंपनी अच्छा खासा दूसरे दिन भागती है तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इंट्राडे अगर आप ट्रेडर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टॉक सेटल हो जाने दीजिए मार्केट स्टार्ट होने के बाद कम से कम एक डेढ़ घंटा वेट कीजिए कैसे यहाँ पे मूवमेंट रहती है उसके बाद यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिए क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की कंपनी होती है उसमें जो है लेना डिफिकल्ट होता है अगर आप मार्केट लेवल पे इमिडियटली यहाँ पे जो है स्टॉक में ट्रेड करते हो मार्केट खुलने के बाद तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों लॉन्ग लेवल के लिए करंट लेवल जो है एंट्री के लिए सही लेवल मुझे नहीं लगती क्योंकि जैसे हमने देखा कि स्टॉक इसके जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिकली स्टॉक जो है इसके रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है तो यहाँ पे खरीदना थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि चार मंथ के बाद उस रेंज के आसपास फिर से गया लेकिन फिर से यहाँ पे टेस्ट करके नीचे आने की स्टॉक कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री अगर आप लेने की सोच रहे हो तो अवॉइड कीजिए फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हो और अगर आप स्टॉक पे बुलिश हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैं, मैंने रेंज बोली है इस लेवल पे 115 125 तो वहां पे आप खरीदने की सोच सकते हैं लेकिन कॉन्जर्वेटिव निवेशक है तो ये स्टॉक को अवॉइड कीजिए एग्रेसिव टाइप के निवेशक के लिए एक सौ पंद्रह से लेकर एक है उस रेंज के लिए वेट कीजिए फ्रेश खरीदारी हमें नहीं करनी स्टॉक में तो दोस्तों ये था पर्सनल एनालिसिस आप आपका खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बाद इस स्टॉक में एंट्री एक्सिट के बारे में सोचिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एज वेल एज अगर आपको किसी दूसरे स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय